हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के 60 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे SSC, पुलिस और बैंक एग्ज़ाम, बाकी सभी PSC, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रह गया प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है और आगामी जो रेलवे के एग्ज़ाम है उनमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और दोस्तों की हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है SO2, CO, CO2, DDT। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया? ऑप्शन है लुई पाश्चर ने, वॉन हेलमंट ने, रॉबर्ट हुक ने, ओपेरिन ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। ठीक है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? ओपेरिन ने। ठीक, अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। ठीक है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीज से। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, नीम की पानी में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में जो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कीट भक्षी पौधा है? ऑप्शन है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा। ठीक है, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसरा। अगला प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक को, AG खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिगर्स एवं किंग को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिगर्स एवं किंग को। ठीक है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ब्रिगर्स एवं किंग को। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं? ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। फिर है अगला क्वेश्चन, आलू क्या है? ऑप्शन है जड़, तना, फल, बीज। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तना। ठीक है, आलू क्या है? एक तना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसको आप याद रखिए, आलू एक तना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया? ऑप्शन है लुई पाश्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर ने। ठीक है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? डॉक्टर जेनर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? TB पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, TB पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के लोगों की भाषा में पाया जाता है? ऑप्शन है 1 से 12 PPM DTT, 1 से 30 PPM DDT, या फिर 31 से 50 PPM DDT। DDT बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1 से 30 PPM DDT। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकर्टिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम से। ठीक है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकर्टिन प्राप्त होता है नीम से। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, सीरप्स, टॉक्सिन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दवाएं। ठीक है, एंटीबायोटिक होती हैं दवाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? ऑप्शन है खामीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस, राइजोबियम।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध को दही बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, मैड काउ डिजिट, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वाइन फ्लू। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा H1N1 प्रचलित रूप में जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में। ठीक है, अगला है राडार का आविष्कारक कौन था, राडार का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। ठीक है, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है, स्पेरोमीटर, अनिमोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर या आमीटर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, जो रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का। अगला प्रश्न, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, लोलक की कालावधि है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, या अगला है या परमाणु को उद्वेलित करके, अणुओं को दलित करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। फिर अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं। ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। ठीक है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है, चंद्रमा से। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो ऑप्शन है, एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन है 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है।
ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनेट से, पोटेशियम साइनाइड से, इथाइल आइसोसाइनाइड से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पानी। ठीक है, अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से। ठीक है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। अगला प्रश्न है पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा व निकिल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। ठीक है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? ऑप्शन है ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 38 का ए, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है? आंसर वो ऑप्शन है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। अगला है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला ऑप्शन है भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, और लास्ट है ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है टिन, शीशा, निकेल, टिन और शीशे के एक मिश्र धातु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिन और शीशे के एक मिश्र धातु। ठीक है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, अगला प्रश्न है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरिक एसिड का हाइड्रो, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जस्ते के एक आयतन का भाग घनत्व के दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका ऑप्शन है पाइरूविक एसिड, एसीटोल्डाइड एसिड, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। ठीक, उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से।
उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। ऑप्शन है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, धातु है तांबा। ठीक, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। इसका राइट आंसर है डी, एथिलीन व एसिटिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक नाइट्रो हाइड्रोकार्बन सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन एस्टर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 50 का डी। ठीक है, एस्टर, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। अगला प्रश्न है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, ऑप्शन है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते की धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते के ऋण ध्रुव बनाया जाता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते के ऋण को ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, इसका राइट आंसर है दोस्तों 52 का डी। ठीक है, रेडॉन। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है, विटामिन ए, सी, ई, के। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ऑप्शन है आरएनए, इन्वर्ट्स, इंसुलिन, स्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, वंशागति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन तथा पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामने वाला चपट दांत यानी कृंतक। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।